उत्तर प्रदेश के हाथरस में भीषण हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई है, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में सबसे ज्यादा मौतें महिलाओं की हुई हैं। दरअसल बाबा अपने चमत्कारों के जरिए महिलाओं के बीच खासे लोकप्रिय माने जाते हैं। उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में मंगलवार को समागम का आयोजन किया गया था। इसी समागम में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल का जायजा लेने के बाद कहा था कि कार्यक्रम के आयोजक भीड़ को सही प्रकार से बाहर निकालने में विफल रहे। घटना के समय बाबा के सेवादार फरार हो गए। इस घटना के बाद सबसे अधिक चर्चा बाबा की हो रही, साथ ही उनके प्रवचनों की तस्वीरें भी सामने आ रही। इसमें बाबा के साथ मंच पर एक और सिंहासन दिखाई दे रहा है। इस सिंहासन पर एक महिला विराजमान है। दावा किया जा रहा है कि वो भोले बाबा की पत्नी है, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आई उसके अनुसार सिंहासन पर भोले बाबा के साथ बैठने वाली महिला रिश्ते में उनकी मामी लगती। नारायण साकार हरी भोले बाबा के साथ सिंहासन पर बैठने वाली महिला भक्तों के बीच माँ कही जाती है। यूपी के एटा जिले के बहादुर नगर गाँव में जन्मे नारायण साकार हरी का असली नाम सूरजपाल सिंह जाटव है। 1997 में यूपी पुलिस के सिपाही के तौर पर नियुक्ति के दौरान बाबा पर यौन शोषण के भी आरोप लगे थे। हालांकि जेल से छूटने के बाद वो साकार विश्वहरि बाबा बनकर सत्संग करने लगा। भोले बाबा पर 5 मुकदमे भी चल रहे हैं। सूरजपाल पर आगरा, इटावा, कासगंज, फरुखाबाद और राजस्थान के दौसा में केस दर्ज। सूरजपाल 3 भाइयों में से सबसे बड़े हैं। सूरजपाल के छोटे भाई रामप्रसाद की मौत हो चुकी है। तीसरा भाई राकेश गांव में रहकर खेती करता है। भोले बाबा अपने गांव में अपने आश्रम पर आखिरी बार 2023 में आया था। बाबा के अनुयायियों में SC, ST और OBC समुदाय के ज्यादातर लोग शामिल बताए जाते हैं। वहीं भोले बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी है। नारायण साकार हरि के भक्त उन्हें भोले बाबा के अवतार के रूप में मानते हैं। उनके आश्रमों पर आकर खुद को धन्य मानते हैं। आश्रमों के चापाकल का पानी लेने की होड़ मचती रहती है। भोले बाबा के प्रवचनों के दौरान उनकी मामी भी मंच पर उनके साथ बैठती हैं। भोले बाबा का दावा है कि वो भक्तों की सेवा सेवादार बनकर करते हैं। अपने प्रवचनों में वो पाखंड पर हमला करते हैं और मानव को सबसे बड़ा मानने का संदेश देते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।